नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। प्राचीन काल की बात है, द्रविड़ देश में एक पांडिवंशी राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वह अपना अधिकतर समय भगवान की आराधना में ही व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी जगह सुख शांति थी, प्रजा हर प्रकार से संतुष्ट थी, तब भी राजा इंद्रद्युम्न राज कार्य में बहुत ही कम समय दे पाते थे। वह कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट प्रभु श्री हरि की उपासना में ही लीन रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में प्रभु भक्ति की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इस कारण वह राज्य का त्याग करके मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था, सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि भगवान के चरण कमलों में ध्यान मगन रहते थे। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की कोई सुध नहीं थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ना पाद्य, ना अर्घ और ना ही स्वागत। मौनव्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में मगन थे। महर्षि अगस्त ने इसे अपना अपमान समझा और कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इस घोर अज्ञानमयी मनुष्य को हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह शाप देकर आगे की ओर बढ़ गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री हरि भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में अपना सर रख दिया। क्षीर सागर में 10,000 योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वत राज त्रिकूट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कनन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष शोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी त्रिकूट पर्वत के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। गजेंद्र कई बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। वह और कोई नहीं, महर्षि अगस्त्य के श्राप से ग्रसित राजा इंद्रद्युम्न ही थे। एक बार गजेंद्र अपने साथियों के साथ प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा को बुझाया, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान करवाने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं कहां से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राहग्रस्त देखकर हथनियां, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर और बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफलता नहीं मिली। गजेंद्र स्वयं को बाहर की ओर खींच रहा था और ग्राह गजेंद्र को भीतर की ओर खींच रहा था। सरोवर का निर्मल जल भी गंधला हो गया था। कमल दल क्षत विक्षत हो गए, जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1,000 वर्षों तक चला। वह दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर सभी देवतागण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं बचा।
परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर परम प्रभु श्री भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस समय भोजन कर रहे थे। जैसे ही प्रभु ने गजेंद्र की स्तुति सुनी, वह तुरंत ही भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का हाथ पकड़कर पूछा, आप भोजन छोड़कर इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? तब प्रभु ने हाथ ही कहा, और वह इतनी जल्दी वे थे कि लक्ष्मी जी को सिर्फ हाँ ही सुना, और इतने में ही भगवान गजेंद्र के समक्ष प्रस्तुत हो गए। और थी गजेंद्र ने सुना, हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात यदुराज, हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात यदुराज। हाँ तो लक्ष्मी ने सुनी, थी सुनी गजराज। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उसी सरोवर के तट पर पहुंच गए। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए हुए गरुड़ासन भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण, जगत गुरु भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर से खींचकर ले आए और तुरंत अपने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी तथा देवता गणों ने श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीर धारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गायन करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सभी के समक्ष कहा, प्रिय भक्त गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। जय श्री विष्णु भगवान। गजेंद्र मोक्ष की कथा समाप्त। आप सभी का कथा सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको कथा पसंद आई है तो समुन्नी टीवी धार्मिक स्टोरीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु भगवान।